ओके, तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है। कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का, दुनिया के हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा, है ना। नल सेट विल बी द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो खुद एम्प्टी सेट क्यों ना हो। अरे भाई सही बात है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, वो उसको जस्टिफाई कर देगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द सेट इटसेल्फ इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ इट्स ओन, है ना। जैसे आपके पास सेट ए था, मैंने बोला इसके सारे सबसेट लिखो, तो एक सबसेट तो उसका आप सबसे पहले लिख दो नल सेट, दूसरा सबसेट आप लिख दो उसका द सेट इटसेल्फ, पूरा का पूरा सेट इटसेल्फ आपने यहाँ पे लिख दिया। तीसरा सेट क्या आ जाएगा, जो उसके एलिमेंट होंगे, वन फिर टू फिर वन टू एक साथ, मतलब सीक्वेंस में अगर बोला जाए तो। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं वन टू थ्री का सबसेट लिखूंगा तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फाइव एंड एंड फ्रॉम एंड एट द सेट इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट, हर सेट के अंदर हवा तो होती है ना, तो हर सेट के अंदर हवा है तो हवा उसका सबसेट हो गई होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद रखने की आदत, मतलब याद भूलने की आदत हो तो। और वो सेट खुद उसका खुद का सबसेट हो गई होगा। तो बचे कितने एलिमेंट, वन टू थ्री फोर, वन टू वन थ्री टू थ्री, तो सारे एलिमेंट को अगर आप पेयरिंग बना बना के जितने भी सेट बना सकते हो, है ना, आप ये तीन एलिमेंट से जितने भी सेट बना सकते हो वो सारे के सारे सबसेट कहलाएंगे। तो इन तीन एलिमेंट से आप कितने सेट बना पा रहे हो, टोटल एट, है ना। आपने मैन्युअली बना के देख लिया, वन बनाया फिर अकेला टू रखा अकेला थ्री रखा, ये एक पेयर हो गया। सबसे पहले आपने हवा रखी थी, ये ध्यान रखें, फिर आपने वन टू रखा, फिर वन थ्री रखा, खत्म। फिर आपने टू थ्री रखा, टू वन मत बोल देना, टू वन फिर से यही सेट हो जाएगा ना, टू वन मत कह देना, टू थ्री रखा, टू वाला भी खत्म। फिर थ्री से देखेंगे तो थ्री वन आएगा, थ्री वन हैज़ ऑलरेडी बिन डन, थ्री टू मतलब टू थ्री हो चुका है, तो कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हमने देखा कि वन टू थ्री इटसेल्फ द सेट इटसेल्फ, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ सेट्स। तो लिखिए देयर फोर के अलावा, या तो एक काम करो ना, आप यहाँ पे पॉइंट नंबर थ्री बना लो, जैसे वो पॉइंट नंबर टू था ना, तो पॉइंट नंबर थ्री लिख लो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से, है ना। फॉर्मूला क्या बन रहा है मैं आपको 2 सेकंड में सिखा दूंगा। देखो इधर ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, दो दो एलिमेंट थे सेट के अंदर, तो कितने सबसेट बने, एक दो तीन चार, अच्छा, चार सबसेट बने ना, इधर चुपके से लिख देता हूँ मैं, चार सबसेट बने, फोर सबसेट्स। इसमें कितने एलिमेंट थे, तीन। कितने सबसेट बने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एट, एट सबसेट्स। क्या आपको लिंक समझ में आ रहा है, जब टू टू एलिमेंट्स थे तो कितने सबसेट बने, फोर, और जब थ्री एलिमेंट्स थे तो कितने सबसेट बने, एट। आप है ना फोर एलिमेंट्स लेके देख लो, 16 बनेंगे। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, टू की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे दो एलिमेंट थे तो टू की पावर में टू, फोर सबसेट। यहाँ पे तीन एलिमेंट थे तो टू की पावर में थ्री, एट सबसेट्स। गेटिंग द लिंक। तो इसका फॉर्मूला बना के लिख लेते हैं अपन। लिखिए फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट क्या हो जाता है, वो टू की पावर में एन, दैट्स इट। एन क्या है वो अपन लिख देते, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। फाइन, लिखिए एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट आप मेरे को बताएंगे ना, ये वाला आप बताएंगे मुझे, बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे हर सेट के, या कोई भी सेट के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। नहीं, प्रॉपर सबसेट में एम्प्टी सेट को कंसिडर नहीं करना है, करना है करना है, प्रॉपर सबसेट में कंसिडर करना है। प्रॉपर सेट में बस आप वो सेट को कंसिडर ना करें, है ना। ठीक है, मैं वही वाले पॉइंट पे आ रहा था, अभी आपका कमेंट आया है ना, तो मैंने आपको बताया प्रॉपर
प्रॉपर सेट में एम्प्टी सेट आएगा, बट द सेट इटसेल्फ इट वोंट कम. तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल सेट कितने हो सकते हैं, 2 की पावर में n, उसमें से जस्ट जो सेट इटसेल्फ होगा वो आपको हटाना है. अरे भाई देखो, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है यार, तो कि ये जो आपने जितने भी सबसेट्स लिखे हैं उसमें से ये वाला सेट हटाना पड़ेगा, है ना. क्यों हटाना पड़ेगा भाई, पहली बात तो हटा के अपन क्या कर रहे हैं, अपन प्रॉपर सबसेट निकाल रहे हैं. प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है, सर्कल के अंदर एग्जैक्टली मतलब सर्कल के अंदर कंप्लीटली आए, ओवरलैप ना करे सर्कल को, है ना. मान लो अपना ये जैसे ऊपर फोटो बना हुआ है, तो ये जो सर्कल 1, सर्कल 2 एंड सर्कल 3 बना हुआ है, ये कंप्लीटली अंदर आ रहे सर्कल के. मान लो एक सर्कल 4 में ऐसा बना देता, है ना, जो ये ब्लू वाले सर्कल को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है. हाँ सही है आपका आंसर, 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n-. आपने दो बार और करके लिखा है, बट एक ही चीज लिखी है. तो ये जो लाल वाला मैंने ब्लू वाले के ऊपर ओवरलैप करा है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट. अरे भाई वो प्रॉपर सबसेट थोड़ा, तो इक्वल सेट हो गया. हालांकि हम इक्वल सेट को भी मार्केट में इक्वल सेट को भी सबसेट कहा जाता है, आप उसको सबसेट बोलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. अगर दो सेट, ये लाल वाला मान लीजिए ए है और ब्लू वाला मान लीजिए अगर बी है, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि बी वाला सेट और ए वाला सेट इक्वल है, ऐसा बोलोगे. और आपको अगर सबसेट वाला सिंबल लगाना है तो आप ये वाला लगाओगे, ये वाला. ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, आइदर इट इज सबसेट और इट इज इक्वल, है ना. आइदर आइदर और मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज सेटिस्फाई हो जाए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. और का मतलब क्या होता है भाई, कोई एक चीज ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, एक गलत हो गया एक सही हो गया, तो इसको मान लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी. और का मतलब ये तो, और का मतलब ही तो यही होता है, ठीक है ना. तो आप बी और ए सेट के बारे में ऐसी बात करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ ना फिर, ठीक है. तो प्रॉपर सबसेट कब होगा अपना, जब आपको जो एक्चुअल जो सेट है, जो सेट खुद है उसको हटाना पड़ेगा. तो 2 to the power n-1 एम्प्टी सेट को अपन प्रॉपर सबसेट मानते हैं. ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, है ना. आसान भी ऐसा नहीं है. अच्छा, मैंने आपको नोट लिखवा दिया था ना, अब मैं आपको पॉइंट नंबर 10 लिखवा रहा हूँ. लिखिए पावर सेट्स, पावर सेट्स. ओके, यू वांटेड टू टाइप 2 की पावर n-2. ओके ग्रेट. लिखिए भाई पावर सेट. पावर सेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले हिंदी में समझाऊंगा फिर अंग्रेजी में लिखवा दूंगा, 2 सेकंड का काम है भाई. मान लो कोई सेट है अपने पास, उस सेट में एलिमेंट है 1 and 2, जस्ट 1 and 2, ठीक है. ध्यान से देखना इधर, कोई लिखना मत अभी, बिल्कुल एकदम हवा में उड़ जाएगा, वरना ध्यान से देखो इधर, ये इंपॉर्टेंट है. 1 और 2, आप क्या करो ना, इसके सारे सबसेट लिख दो, राइट, ऑल द सबसेट्स, ऑल सबसेट्स लिखो जल्दी से. सबसे पहले तो हवा, भाई हवा तो हर किसी के अंदर है ना. फिर उसके बाद आपने क्या करा, अकेला 1, अकेला 2, और फिर 1 2 साथ में, मतलब द सेट इटसेल्फ लास्ट में. ये आपने सारे सबसेट बना दिए. प्रॉपर थोड़ी बोला मैंने, मैंने बस बोला कि सारे सबसेट लिख दो. प्रॉपर तो मैं अलग से बोलूंगा जब मेरा मन होगा बोलने का, अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस आप सारे सबसेट लिख दो. समझ में आ रहा है. अच्छा, अब ये जितने भी सबसेट बने हैं, ये जितने भी सबसेट बने हैं, अगर मैंने उसको किसी और दूसरे सेट के अंदर डाल दिया, इनको धक्का मार के इधर अंदर डाल दिया कोई दूसरे सेट के अंदर, तो वो कहलाता है पावर सेट ऑफ ए. मतलब ए के सारे सबसेट को, ए के जितने भी सबसेट बन रहे हैं उनका एक सेट बना दो, तो वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा. चमका, फिर से बोल रहा हूं ना, ए के सेट, ए के नॉट जस्ट ए, दुनिया में कोई भी सेट हो यार, है ना, उसके जितने भी सबसेट बन रहे हैं उन सबको, उन सबका एक और सेट बना दो, तो वो पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट कहलाएगा, है ना. आई होप अपने को ये चीज समझ में आ जाती होगी. इसका डेफिनेशन लिखते पहले अपन, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स. सिंपल भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, ज्यादा अंग्रेजी नहीं, अपने को पीछे नहीं पढ़ना है, अपने को बस आइडिया समझ में आना चाहिए. द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ऑफ अ गिवन सेट ए, is called the power set of A.
लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। तो ये जो मैंने पी एस ऑफ ए लिखा है ना, इसको ऐसे लिखते नहीं है अपन, ऐसे लिखते पावर सेट ऑफ ए, ऐसा लिखा जाता है, तरीका है भाई लिखने का, इसके पीछे कोई लॉजिक थोड़ी है, ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। जो जिसका मन हुआ उसने वैसा डिसाइड कर दिया कि ऐसे लिखोगे, है ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेते अपन, वही ये वाला सस्ता सा एग्जाम्पल लिख लो ना। अगर लिखो एग्जाम्पल वन, अगर सेट ए है 1,2, तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। तो हमने बोला इसके सारे सबसेट का एक सेट बना देंगे। इसके सबसेट कौन कौन होंगे, एक तो हवा होगा, होगा हवा तो हो गई ना, फिर एक सबसेट होगा इसका वन। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम अखंड गलती करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में वन डालने की बजाय वो सिर्फ वन लिख देते हैं। अरे भाई साहब, वन कोई सेट थोड़ी हुआ, आपको सेट के अंदर सेट डालना है। सबसेट जो होते हैं वो चार है, लेकिन सबसेट भी तो अपने आप में कोई सेट है ना यार, कोई छोटा सा सेट है सबसेट भी। तो आपको उस छोटे से सेट को किसी दूसरे सेट में डालना है, तो आपको सेट के अंदर सेट डालना है। सेट कब, सेट तभी डिफाइन होता है जब वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हो, ठीक है। तो आपको कर्ली ब्रेसेस वन डालना है, कर्ली ब्रेसेस टू मतलब सबसेट टू, या सबसेट थ्री बोल दीजिए, क्योंकि सबसेट वन तो नल सेट है ना। सबसेट टू, सबसेट थ्री, और जो लास्ट सबसेट होगा दैट विल बी द सेट इटसेल्फ, द सेट ए इटसेल्फ। इसको आपने क्या करा, इसको आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। तो मैं उसको रेड से बना देता हूँ ताकि अपने को थोड़ा पिक्चर जो है ना ढंग से दिखाई दे। ये एक्चुअली ये हो रहा है अपने साथ, पावर सेट ऑफ ए बन गया अपने पास। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, अरे भाई जितने उसके सबसेट होंगे उतने उसके एलिमेंट होंगे, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल टू, सेट ए अगर मैंने आपके सामने लिखा है 1, 2, 3, अरे यार बी बोल दो इसको, है ना, टेंशन मत लो, इसको बी बोल दो, और पावर सेट ऑफ बी लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 5, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आएगा, फिर आएगा ओनली एलिमेंट 1, ओनली एलिमेंट 2, ओनली एलिमेंट 3, खत्म हो गया ना, सिंगल एलिमेंट का बोलवाला खत्म हो गया। अब डबल एलिमेंट लेते, तो डबल एलिमेंट में सबसे पहले अपन ने 1 के साथ सारी जोड़ियां बना दी, 1 के साथ 2, 1 के साथ 1 मत कर देना है ना, फिर से वही लेजेंड वाला काम मत कर दो आप, है ना, ये कोई सेट नहीं होता है, ये इसमें रिपीट नहीं होगा। 1 के साथ 1 मत कर देना, ये और ये एक ही बात है, क्योंकि अपन रिपीट नहीं करते ना। फिर 1 के साथ 3, 1 का किस्सा खत्म, 2, 2 के साथ आप क्या कर सकते हो, 1 कर दोगे तो फिर वो 2, 1, 1, 2 एक ही बात है ना, आगे पीछे सब सेम होता है। तो 2, 2 लेना पड़ेगा, हाँ 2, 2 इज समथिंग एल्स, अच्छा 2, 3 भी समथिंग एल्स है, खत्म। 3 के साथ करते, 3 के साथ आप क्या कर सकते हो, 3, 1 हो चुका है, 3, 2 नहीं हुआ, 3, 2 नहीं, हाँ हो गया ना, और 3, 3, 3, 3 मतलब सेट 3 ही तो हो गया, क्योंकि आप रिपीट नहीं करोगे, तो 3 का कोई केस बनेगा ही नहीं यहाँ पे। फिर आपको डायरेक्टली लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट जैसे आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो आप जो सेट था वही का वही सेट एक बार लिख दो, है ना। तो दिस विल बी द पावर सेट ऑफ सेट बी। मेरे ख्याल से ये वाली एग्जाम्पल जो है, ये वाली डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर होगी, है ना। अपन अगले बढ़ते हैं, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं अपन, ये तो बच्चों वाले टॉपिक से सारे। 11th हो गया ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट्स क्या होता है, जो मैं हिंदी में समझाता हूँ फिर अंग्रेजी में समझा देंगे ना, लेट अस फॉलो दैट पैटर्न। विच क्वेश्चंस डू वी नीड टू सॉल्व फ्रॉम प्रिलिप को, अरे एकदम आउट ऑफ द ब्लूज तुम प्रिलिप को ले आई। प्रिलिप को में रिचा सुनो सुनो एवरीवन, है ना, आपको प्रिलिप को में सॉल्व करना है। कहाँ गई प्रिलिप को, यहीं पे रखी थी यार, रुक जाए ना, मैंने बुक मार्क कर, पेज नंबर 44 था, 44 में आपको सॉल्व करना है। पेन कहाँ गई मेरी, हाँ ये पेज नंबर 44, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द सेट 27 2 1 35, ठीक है। इसको दो टुकड़ों में करें आप, सबसे पहले आप करो 27 2 60, मतलब जिसने नहीं किया ना उनके लिए बता रहा हूँ, जिसने कर लिया वो तो चल मारो, आपको इनइक्वालिटी, आप कोई नहीं आपको हरा सकता है इनइक्वालिटी में। आपने अगर प्रिलिप को, बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, आपने अगर ये सॉल्व कर लिया ना, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। 60 to 100 एंड देन मतलब 61 to 100 एक ही बात है ना, फिर 101 से लेकर 135, तीन सेट में आप इसको सॉल्व करें। मैंने होमवर्क भी तीन सेट में दिया था, है ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट रफली ऐसा ही था। तो आप पूरा सॉल्व करें 135 तक, पेज नंबर 44 है। बुक आप चाहे तो खरीद सकते हो ना, अमेजोन में आराम से मिल जाएगी। अगर आपको बुक का कवर चाहिए, मतलब देखना होता है ना कई बार, तो मुझसे हेल्प ले लेना, है ना।
या फिर निकम सर को आप मैसेज कर देना, तो ही विल हेल्प, मतलब ही विल आस्क मी एंड आई विल हेल्प यू। जॉइंट सेट लिखे, जॉइंट सेट मतलब क्या होता है, सेट दो ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, जैसे अपने पास सेट नंबर, चल क्यों नहीं रहे, मान लो एक सेट है मेरे पास 1 2 3 और एक सेट है मेरे पास 3 4 5, है ना, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, क्या ये दोनों जॉइंट सेट कहलाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि दोनों में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन आ रहा है, एक भी कॉमन आ गया तो जॉइंट सेट, एक भी नहीं आया तो डिसजॉइंट सेट, खत्म, बात ही खत्म होगी। अगर मान लो यहाँ पे 3 नहीं होता, इतना ही होता, तो अब ये सेट डिसजॉइंट हो जाते। एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा, पहले अपन अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी जॉइंट इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ना, बिटवीन देम। सिंपल सी बात, जैसे मैं आपके सामने अगर लिख दूँ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5, तो आप क्या बोलोगे, ए एंड बी आर जॉइंट सेट्स। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल गिवन वन। अगर मैं आपको एग्जाम्पल गिवन टू ऐसा कुछ दे दूँ, सेट सी है अपने पास, उसमें क्या लिखा है कि ए बी सी डी 1 2, ओके, और सेट डी में लिखा है 1 2 3 4 5 6। अब रोने मत लग जाना कि सर ये ए बी सी डी और 1 2 एक ही सेट में कैसे आ सकते हैं, आ सकते भाई, अरे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एलिमेंट्स, तो डिफाइंड एलिमेंट अपन ने डिफाइन कर रखा होगा ना, वो कोई आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको टेंशन लेना कॉमन है क्या, हाँ 1 एंड 2 आर कॉमन, 1 2 1 2 कॉमन है, तो आप क्या कहोगे, एंड सी एंड डी, सी एंड डी आर ऑल्सो जॉइंट सेट्स, ठीक है। जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अपन इंटरसेक्शन वर्ड पढ़ेंगे ना, तो उस समय सर वाई डिड यू इंक्लूड 2 कॉमा 2, आई डिड नॉट इंक्लूड 2 कॉमा 2, वेयर डिड आई डू दैट, हाँ ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया, बट 2 कॉमा 2 मैं आपको बताना चाह रहा था उस वक्त कि आप ना लिखे, और मैंने ही लिख दिया, बट आप भावनाओं को समझो। 1 2 1 3 आएगा, फिर 2 1 नहीं आएगा क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी बिन डन, 2 2 भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी यही होता है, 2 3 हम लिख देंगे क्योंकि वो डिफरेंट है, दैट्स इट, ठीक है। एक बार गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, यहाँ पे आप हटा देना उसमें ना, अगला लिखे डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट भी काफी आसान है। डिसजॉइंट सेट्स डेफिनेशन लिखो आप, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, टू सेट्स ए एंड बी are said to be disjoint sets if they have no common elements, if they have no common elements between them, ठीक है। अच्छा अपन लोग थोड़ा बहुत इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, तो मैं काम करता हूँ, दिल पे पत्थर रख के एक इंटरसेक्शन का टर्म लिखता हूँ, देखना आपको समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है, अभी 2 मिनट में अपन सीख लेंगे इंटरसेक्शन। तो देखना क्या लिखा है यहाँ पे, सी एंड डी, ऊपर देखिए आप, ऊपर वाला सी एंड डी आर जॉइंट सेट्स,
जॉइंट सेट मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन कैसे लिखते हैं अपन, सी इंटरसेक्शन डी, इतना अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो इंटरसेक्शन से अपन कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट वाला भी ये भी एक सेट होता है ना। ये अगर एक सेट है तो इसको भी आप कर्ली ब्रेसेस से ही चालू करोगे और खत्म करोगे। आप सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिख दोगे, कॉमन कौन कौन है, एक बार वन कॉमन है, फिर एक बार टू कॉमन है। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या आ गया कॉमन, वन एंड टू। अगर मैं यहाँ पे लिखता ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें क्या कॉमन आता, उसमें क्या आता है एक्चुअली, तो थ्री एंड थ्री आता, मतलब जस्ट थ्री, थ्री कॉमन है, सही बात है। चलिए चलिए, तो यहां पे अगर मैं आपके सामने लिख दूं ए, सेट ए में लिखा है आपके सामने ए बी सी डी, और सेट बी में लिखा है आपके सामने वन टू थ्री फोर, क्या कॉमन है भाई, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके अच्छा, अगर डिसजॉइंट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा क्या कुछ, क्या ए और बी का कुछ इंटरसेक्शन आएगा, ना बिल्कुल नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी लिखना पसंद करते हैं कि आप ऐसा लिख दो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ऐसा एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस है ना। लेकिन आप ये मत लिख देना, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक सेट था अपने पास, उसके अंदर एक और खाली सेट है, तो अब एक एलिमेंट तो आ गया ना इसके अंदर, एक एलिमेंट तो आ ही गया। या ऐसा सोच लो कि एक ग्रीक लेटर फाई आ गया है, जैसे आपको सोचना सही लगे, कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। हवा मतलब हवा, ऐसा मत सोचना कि हवा उसमें भी तो हवा है, अरे नहीं भाई, वो एक सेट है। ठीक है, तो वो सारे आपके मिसकंसेप्शन है ना, आप अपने साथ रखें। अब अपन काम की चीज देखते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, आई होप आप लोग लिख पा रहे हैं। आपको अगर नोट चाहिए होंगे तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे से यही के ही नोट दे दूंगा। ठीक है, लिखिए अगला टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें आपको वेन डायग्राम समझना पड़ेगा ना। वेन डायग्राम को कुछ कुछ लोग वेनन डायग्राम भी बोलते हैं, स्टाइल मारने के लिए, है ना, कि दो एन है तो वेनन बोल दिया। कोई रीजन नहीं है ना, अपने को आइडिया आना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए भाई ना, अंग्रेजी नहीं तो आपको। अरे यार,